कोलकाता के 17 नंबर किनाल साउथ रोड पर चमड़े के गोदाम में भीषण अग्निकांड हुआ है। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में एक स्क्रैप यार्ड में लगी भयंकर आग, हादसे में लाखों का सामान जल चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के फिरोजाबाद की खबर है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में अग्निकांड हुआ है। तमाम कर्मचारी हादसे में सेफ हैं। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। एमपी के भिंड में 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। घर में बना रखा था फर्नीचर का गोदाम। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। एमपी के सतना में चलती स्कूटी में अचानक से लग गई आग। शख्स ने कूद कर बचाई अपनी जान। एमपी के सिवनी में तेज रफ्तार बस की ट्रक से टक्कर। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल। इलाज जारी। सागर से नागपुर जा रही थी बस। यूपी के बलिया में बस पलटने से हादसा। बिहार स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस के आर्म्ड पुलिस के 29 जवान जख्मी हुए। अस्पताल में सबका इलाज चल रहा है। बिहार के सुपौल में बाइक की चोरी। दुकान के आगे खड़ी बाइक लेकर फरार हुआ चोर। चोरी की घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई और इस फुटेज के आधार पर तफ्तीश शुरू हो गई है। रामनगरी अयोध्या में मनाया गया 8वां दीपोत्सव। सरयू नदी के घाटों पर, यहां पर 55 घाटों पर प्रज्वलित हुए 28 लाख दिए। सीएम योगी भी दीपोत्सव में पहुंचे, बने 2 कीर्तिमान। गोरखपुर में दीपावली मनाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जिले के वनटांगिया गांव में 8वीं बार गांव वालों के साथ होंगे सीएम। 182 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। गुजरात के राजकोट में माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड में दीपावली समारोह का आयोजन। राजकोट नगर निगम की ओर से आतिशबाजी। बिहार के मुंगेर में भव्य दीपोत्सव। कल्याणपुर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रज्वलित किए गए 8 लाख दिए। असम के करीमगंज में सजाया गया राम मंदिर की थीम वाला पूजा का पंडाल। दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्कूल के बच्चों ने बीएसएफ जवानों के साथ मनाई दीपावली। जवानों के संग दीपावली मनाने पर बच्चों में बहुत उत्साह दिखा। दिवाली पर उज्जैन महाकाल मंदिर रोशनी से जगमगा गया। ड्रोन तस्वीरों में दिखा बहुत ही सुंदर नजारा। एक्टर सलमान खान और विधायक जीशान सिद्दीकी को धमकी देने वाले आजम मोहम्मद मुस्तफा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। ट्रैफिक पुलिस को मैसेज भेजकर 2 करोड़ न देने पर हत्या की दी थी धमकी। जोधपुर में महिला ब्यूटिशियन का टुकड़ों में मिला शव। 3 दिन से लापता चल रही थी महिला। उसकी हत्या कर उसके शरीर को दबाया गया था जमीन में। पड़ोसी दुकानदार गुलामुद्दीन पर आरोप। पत्नी ने पुलिस पूछताछ में सारे राज उगल दिए। आज से आरएसएस का 5 दिवसीय प्रचारक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है। संघ परिवार की आगामी रणनीति पर होगी चर्चा। कई हिंदू संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के निमंत्रण भी पहुंचे हैं। आरबीआई ने जारी किए मासिक लेन देन के आंकड़े। यूपीआई समेत सभी डिजिटल भुगतान में हुई बढ़ोतरी। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लेन देन में भी हुआ बदलाव। फ्लाइट पर धमकी मिलने के बाद हैदराबाद की पुलिस ने दी जानकारी। जांच में विमान में नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिली थी धमकी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग पर सियासी बयानबाजी। श्योपुर से सांसद ने कांग्रेस प्रत्याशी को कहा नक्सली। नाराज कांग्रेसी नेताओं ने दर्ज करवाई शिकायत। लेबनान पर इसराइल के अटैक्स जारी हैं। इसराइली युद्धक विमानों ने नबातही में रिहायशी बिल्डिंग्स को टारगेट किया। ईरान ने इसराइल पर एक साथ छोड़े कई सारे मिसाइल्स। इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल्स को हवा में किया है नष्ट। वीडियो आए सामने। इसराइल ने लेबनान पर की है बम वर्षा। दक्षिण लेबनान में बम धमाकों में ध्वस्त होती इमारत का खौफनाक वीडियो आया सामने। लेबनान के बालबेक शहर पर इसराइल की वायुसेना के अटैक। शहर की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक। हमले में लगी भीषण आग। लेबनान में कहर बरपा रही इसराइल की सेना। हिजबुल्ला के ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक। दक्षिण लेबनान में एक बंकर में पहुंची इसराइल की सेना। जमीन से 8 मीटर नीचे बने आतंकी हथियारों के गोदाम का वीडियो आया है सामने। गाजा पट्टी पर इसराइल के अटैक जारी हैं। गाजा के उत्तर में ड्रोन अटैक का वीडियो आया सामने। चारों तरफ तबाही का मंजर। दक्षिण लेबनान में इसराइल की वायुसेना ने की है भीषण बमबारी। नबाहती शहर पर अटैक के बाद की खौफनाक फुटेज आई सामने। हिजबुल्ला ने इसराइल के ड्रोन को किया नष्ट। ड्रोन गिराने का वीडियो आया सामने। इसराइल की सेना का हरमीस 900 यूएवी ड्रोन तबाह। इसराइल की सेना के अटैक्स के बाद लेबनान में तबाही का मंजर। हरेत सईदा में बमबारी के बाद रिहायशी इलाकों में लगी आग। लेबनान के हरेत सईदा में इसराइल का हमला। रिहायशी इलाकों में हुए हमले से कई लोगों की मौत। गाजा पट्टी पर इसराइल का हमला जारी। जबाली और बेतलाहिया पर इसराइली वायुसेना ने बरसाए बॉम्ब। धुआं धुआं हो गया पूरा आसमान। लेबनान और गाजा पट्टी में हुए अटैक्स में इसराइल के 52 सैनिकों की मौत। दक्षिण लेबनान में 33, गाजा पट्टी में 19 इसराइली सैनिक युद्ध में शामिल थे।
गाजा में इजराइल की सेना ने भीषण बमबारी की। बेत लाहिया में रिहायशी बिल्डिंग पर अटैक से 77 की मौत, के लोग घायल हुए। गाजा के बेत लाहिया में अटैक की खौफनाक तस्वीर सामने आई। मलबे में तब्दील हुई रिहायशी इमारत। रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल बुलवा को लॉन्च किया। 8,000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है मिसाइल। रूस ने बड़े पैमाने पर परमाणु बम हमले का किया अभ्यास। सोखोट्स में समुद्र से परमाणु पनडुब्बियों से बैलिस्टिक मिसाइल्स की लॉन्चिंग। स्पेन में लेटूर अल्बास्टो में शहर में विनाशकारी तूफान की दस्तक है। 62 की मौत हुई तूफान की जद में आने से। स्पेन में बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर और बोट के जरिए जान बचाने की कोशिश। वालेंसिया में तूफान से 51 लोगों की मौत। एक साल की सबसे अधिक बरसात दर्ज हुई है। मेक्सिको के पोपोकटेपिटेल माउंटेन का अनोखा नजारा देखिए सामने आया। फ्लाइट से किसने रिकॉर्ड कर इसको जारी किया। ज्वालामुखी से उठता धुआं अद्भुत दृश्य दिखाता हुआ। Z News.